नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए देखते हैं टी टाइम बुलेटिन में अभी तक की खास और अहम खबरें। छात्र संगठन द्वारा सेमेस्टर की परीक्षा समय पर कराई जाने की मांग को लेकर रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा गया। MDS यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों द्वारा सेमेस्टर की परीक्षा समय पर कराई जाने की मांग को लेकर रजिस्ट्रार को ज्ञापन दिया गया। साथ ही छात्र संगठन ने मांग की है कि बाहर से आने वाले छात्र छात्राओं के बैठने तक की व्यवस्था नहीं है और पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि बाहर से आने वाले लोगों को परेशानी ना हो। MDS यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं की तिथि घोषित करके जल्द से जल्द परीक्षाएं करने के लिए ज्ञापन दिया गया। इसमें लो और बीएड और सेमेस्टर परीक्षाएं जल्द से जल्द कराने के लिए हमने उनको परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन दिया गया। विश्वविद्यालय में इस समस्या को लेकर आएंगे। एक तो जो अभी रीट के एग्जाम होने वाले हैं, रीट की परीक्षा है सितंबर में, और लेकिन जो बीएड के फाइनल वाले छात्र हैं उनके अभी तक ना एग्जाम फॉर्म भराए नहीं गए ना उनकी परीक्षा तिथि घोषित की गई है। अगर उनके टाइम पे एग्जाम परीक्षा तिथि नहीं घोषित होते हैं तो अगर वो रीट का पेपर भी ले लेते हैं और रीट में सिलेक्शन हो जाते हैं तो भी उनको थर्ड ग्रेड में उनके सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके रीट के एग्जाम से पहले उनके रिजल्ट क्लियर नहीं होगा ना उनकी परीक्षा होगी। साथ ही जो लास्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनके भी एग्जाम की तिथि जल्दी घोषित कराया जाए, क्योंकि अन्य कई विश्वविद्यालयों में एडमिशन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। अगर अभी तक इन्होंने तिथि घोषित की है, तिथि घोषित करेंगे उसके बाद एग्जाम कराएंगे, एग्जाम कराने के बाद में फिर उनका रिजल्ट आएगा, जब तक वो अन्य विश्वविद्यालयों में एडमिशन हो चुके होंगे और बच्चा अपने जिस क्लास में प्रवेश चाहता है, जैसे कोई PhD करना चाहता है, कोई क्या करना चाहता है, MSc करना चाहता है, उनका प्रवेश नहीं हो पाएगा। साथ ही हमने यहाँ पर इस चीज़ को ज्ञापन दिया कि महाराणा प्रताप में जहाँ बाहर से बच्चे आते हैं, डेली बच्चे आते हैं, कम से कम 300 से 400 बच्चे आते हैं, उनके कोई बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है और उनको पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है। खासकर लड़कियाँ आती है, महिलाओं के लिए आती है, उनको शौच की प्रॉब्लम होती है, वहाँ टॉयलेट पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कराया जाए। अच्छा, हम मिले हैं अभी जो जिनको कार्यभार दिया हुआ उनसे मिले हैं, बाकी सोने जी से उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 2 दिन में काम करेंगे। अगर 2 दिन में हम कार्य नहीं करते तो हम उससे बड़ा आंदोलन करेंगे और MDS का गेट बंद करेंगे, उनको धरना प्रदर्शन किया। आज के हमने सभी साथ वगैरह है, हमने गेट वेट बंद किया है, साथ में गेट बंद करने के बाद हम शांतिपूर्वक बाहर बैठे रहे। बाहर बैठने के बाद हमने रजिस्ट्रार महोदय को बाहर बुलाया जो सबके सामने आए, ताकि बच्चों को भी हो सके। अगर हमें अंदर बुलाया गया हम अंदर नहीं गए, हमें सब हम खुद सब बाहर आए, सबके सामने हमने बात की सबसे और बच्चों को भी उनसे आश्वासन मिला है। तो ये समझे जो मेन तो थी कि ये सेमेस्टर वाले एग्जाम और बीएड के फॉर्म, तो बीएड के फॉर्म भरवाने के लिए उम्र होने से डाटा आ गया है, तो डाटा आ गया तो 2-3 दिन में बीएड वालों के फॉर्म शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन, तो उनकी समस्या वैसे सोल्व हो जाएगी बीएड वालों की। और सेमेस्टर के लिए 2 अक्टूबर, क्योंकि 20 जुलाई तक अपनी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उसके बाद 1-1.5 हफ्ता और लग जाएगा, तो मंथ एंड में या अगस्त शुरू में उनका भी हो जाएगा। सर, एक ये छात्र सरकार उसका आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने जरूरतमंद परिवारों को खाद्य राशन सामग्री भेंट की। विधायक सुरेश सिंह रावत ने जरूरतमंद 115 परिवारों को खाद्य राशन सामग्री भेंट की। इस सेवा कार्य में निकटवर्ती ग्राम पंचायत कानस, देवनगर, खोरी, कडेल, तिलोरा, भांसेली के गांवों में खाद्य राशन सामग्री भेंट की गई। पुष्कर विधानसभा की 6 ग्राम पंचायतें, हमारे बुढ़ा पुष्कर मंडल की 6 ग्राम पंचायतों में आज हमने आटा वितरण का कार्यक्रम रखा, जिसके अंदर 5 किलो का आटे का किट और 0.5 किलो खाने का तेल और दाल और 7 प्रकार के नमक मिर्च और हल्दी जैसे मसाले आज हमने लगभग करीब 600 किट ग्रामीणों को बांटे, क्योंकि कोरोना महामारी के अंदर बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं जिनको आवश्यकता थी। एकीकृत महासंघ ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर RPSC सदस्य राजकुमारी गुर्जर से इस्तीफा मांगने की मांग रखी। RPSC में हाल ही में हुए रिश्वत कांड मामले के बाद एकीकृत महासंघ द्वारा RPSC सदस्य राजकुमारी गुर्जर से इस्तीफे की मांग की गई। साथ ही एकीकृत महासंघ ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर राजकुमारी गुर्जर का इस्तीफा मांगने की बात भी रखी। को हमने ज्ञापन सौंपा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर जो कथित अभी RS की भर्ती परीक्षा से पूर्व 2 दिन पहले, आज ही उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, लेकिन 2 दिन पूर्व 23 लाख रुपए की घूस एक सज्जन सिंह गुर्जर और एक पोसवाल द्वारा उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और हुआ है। तो उसकी जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है उसने जो तहकीकात करा है, उन्होंने इंगित करते हुए मतलब शक की सुई जो वहाँ सदस्य है राजकुमारी जी गुर्जर
उनकी ओर बढ़ रही है। तो हमने एक राज्य कर्मचारियों के नाते और अजमेर वासी होने के नाते ये ज्ञापन भेज के राज्यपाल से ये मांग करी है कि इसके ऊपर संविधान की प्रदत्त शक्तियों के तहत आप इसमें संज्ञान लें और राजकुमारी जी का इस्तीफा मंजूर करें। या तो वो राजकुमारी जी गुजर स्वयं नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देती है और नहीं तो अजमेर के अंदर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि इसके पीछे एक प्रश्न है, जब राजस्व मंडल के अंदर भ्रष्टाचार हुआ सरकार ने उसका विखंडन कर दिया, इसी तरह अगर लोक सेवा आयोग का सरकार फिर विखंडन पर उतरती है तो जो ये सदस्य वगैरह बने हैं ये तो आज नहीं कल अजमेर से चलते बनेंगे। तो इसलिए हमने महामहिम को ज्ञापन दिया है कि राजकुमारी जी का इस्तीफा ले। भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। महिला मोर्चे ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को विफल सरकार बताया। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा राजस्थान में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। महिला मोर्चे ने कलेक्टर के वीसी में व्यस्त होने पर नाराजगी प्रकट करते हुए प्रशासन के खिलाफ भी रोष प्रकट किया। महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। जिलाधीश महोदय को जिस प्रकार आप देख रहे हैं, जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से आए दिन अत्याचार महिलाओं पर हो रहे हैं, उनके पे बलात्कार हो रहे हैं। यहाँ तक कि मैं कह देना चाहती हूँ, गहलोत सरकार जहाँ पर जयपुर में बैठी हुई है वहाँ पर भी एक वैन में जाकर आप मेडिकल वाले लोग वैन में ले जा रहे हैं महिला को, उसके संग बलात्कार कर रहे हैं, छोटी बच्ची उसके संग बलात्कार कर रहे हैं। इसी तरह आपने दलितों का भी बाड़मेर में देखा, जो कृष्ण वाल्मीकि है उनके साथ भी बहुत ज़्यादा अत्याचार डंडों से मार के करा गया है। ऐसे कोई न्याय सरकार नहीं कर पा रही है। महिलाएं आए दिन पीड़ित हैं, 80,000 से 12,000 आज इतनी मतलब केस हो चुके हैं, उसमें से कई पेंडिंग पड़े हैं, कई केस महिलाओं के इस तरह के जो आज तक थाने तक भी नहीं पहुंच पाते और घर के वहीं पे पड़ोस में रह जाते हैं, उनको दबा दिया जाता है। तो ऐसी सरकार जो महिलाओं पे आए दिन अत्याचार कर रही है, आए दिन उन पर दुष्कर्म कर रही है, ऐसी सरकार को हटा देना चाहिए। इस चीज़ को लेकर हम लोग आज जिलाधीश को ज्ञापन देने आए हैं। जिलाधीश महोदय यहाँ पर नहीं मिले हैं तो हम यहाँ पर धरना दे के बैठे हैं और हम जिलाधीश महोदय को ही कोशिश करेंगे कि हम उनको ज्ञापन दे के जाएँ और हमारी आवाज़ गहलोत सरकार तक पहुंचे, जिसने अभी तक किसी प्रकार का गठन भी नहीं करा है और गृह मंत्रालय अपने जेब में रख के बैठे हैं, किसी प्रकार का प्रशासन भी जागरूक नहीं है। महिलाएं अपनी किसको सुनाएंगी जाके, जब इसी तरह हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि आप जागरूक हो जाए सरकार, वरना आपको सीट छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएगा। राजस्थान के अंदर महिला अत्याचार, राजस्थान के जो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं वो राजस्थान में नंबर वन हो चुका है। अभी हाल ही में महिलाएं न तो घर में सुरक्षित है, न बाहर सुरक्षित है, महिलाएं न सुबह सुरक्षित है, न शाम को सुरक्षित है, महिलाएं न अस्पताल में सुरक्षित है, न थाने में सुरक्षित है। मैं कहना चाहती हूँ, हाल ही में 21 जून को जो पुष्कर के अंदर 11 साल की बच्ची के साथ जो दरिंदगी कही गई है, मानवता को शर्मसार करती है। मुझे शर्म आती है उसकी बच्ची के बारे में जब चर्चा करती हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। आज बच्ची, नन्ही बच्ची दहलीज पार करके जब घर से बाहर खेलने जाती है ना तो माता पिताओं के हाथ मेरे कांपने लगते हैं कि वो बच्ची सुरक्षित घर लौटेगी कि नहीं। दिखा रहे ऐसी सरकार को, ये मातृशक्ति महिला शक्ति गहलोत सरकार से आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, गहलोत सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मैं जो कवि की पंक्ति मुझे याद आ रही है और मुझे लगता है इस गहलोत सरकार के ऊपर ये पंक्ति सटीक बैठती है कि थक गया है तू समर से तो रक्षा का भार मुझे दे दे, थक गया है तू समर से तो रक्षा का भार मुझे दे दे, मैं चंडी सी बन जाऊं अपनी तलवार मुझे दे दे, अपनी तलवार मुझे दे। मैं कहती हूँ महिलाओं से जो टक्कर ले रहे हो ना, राजस्थान के अंदर महिलाएं इतनी कमजोर नहीं है, अगर इस महिला को छेड़ा तो बहुत मुश्किल होगा। ऐसा कहती हूँ कि महिला ऐसा लिखेगी इतिहास कि तुम्हें इतिहास पढ़ना मुश्किल होता। कौन कहता है कि महिलाएं कमजोर है? अरे कौन कहता है कि महिला कमजोर है? एक आवाज दी तो तक तो ताज पलट देंगे। अरे इतिहास की क्या हस्ती दोस्ती, पूरा भूगोल बदल देंगे, पूरा भूगोल बदल देंगे। मैं गहलोत सरकार की इस्तीफे की मांग करती हूँ और आप सबके माध्यम से कहना चाहती हूँ, थोड़ी बहुत भी अगर उसमें शर्म बची है, बहन बेटियों की मुखिया बनकर के बैठे हो, बहन बेटियों की इज्जत की आबरू की रक्षा नहीं कर सकते हो, अरे थोड़ी बहुत भी शर्म बची है तो इस्तीफा दे दो। मैं इस्तीफे के महिला मोर्चा के माध्यम से मांग करती हूँ कि राजस्थान के अंदर इस सरकार को बस्ता बर्खास्त करके बिल्कुल के राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। महिला मोर्चा। राजस्थान में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, हर युवा हर वर्ग यहाँ त्राहिमान हो रखा है, उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया है और यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। ये हमारा जिले का, पूरे जिले का, देहात का और शहर का यहाँ पर हम ज्ञापन देने आए थे। हमने कलेक्टर साहब से समय लिया, उन्होंने भी अनदेखी करी यहाँ पर समय लेने के बावजूद भी वो वीसी में व्यस्त हैं।
हमने ज्ञापन देना हमारा यूं तरीके से अपमान किया गया है और आधी आबादी महिलाओं की यहाँ पर जो अपमान हुआ है उससे साफ जाहिर होता है कि जब प्रशासन भी उन्हीं के इशारों पर चल रहा है, जिसकी सरकार है उसी की बजा रहे हैं और उस तरीके से ही हमारा अनदेखा हुआ है यहाँ पर। आज राजस्थान में 3 साल हो गए हैं सरकार को बने हुए, लेकिन मैं केवल 6 महीने की बात करती हूँ, 6 महीने में 30% दुष्कर्म के मामले यहाँ पर बढ़ गए हैं और 30 दिन के अंदर अंदर 560 केस दुष्कर्म के दर्ज हुए हैं। 3022 दुष्कर्म के जो मामले आए उसमें से मात्र 767 केस पर FI दर्ज हुई। बाकी सारी महिलाएं अबलाएं कहाँ जाएगी, कहाँ न्याय मांगेगी पता नहीं है। ऐसी सरकार को मैं समझती हूँ पद छोड़ देना चाहिए। यदि उनसे सरकार नहीं संभल रही है, जिस तरह की कोरोना की महामारी में जहाँ जनता त्राहिमान थी, उस समय इस सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे अशोक गहलोत जी अपनी सरकार को बचाने के लिए व्यस्त थे, उनको उस टाइम भी जनता याद नहीं आई। आज जिस तरीके से आधी आबादी महिलाओं पर अत्याचार बढ़े जा रहा है, दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आज भीलवाड़ा में एक मोहनपुरा गांव में एक दलित को पेड़ से बांधकर पीटा जाता है सिर्फ इसलिए कि वो दलित है, उस पर चोरी का आरोप लगाकर उसे पीटा जाता है। ये किस राज्य में होता आया है हमें नहीं पता, लेकिन ये कांग्रेस राज्य में ऐसे हमेशा होता आया है और हो रहा है। मैं यही कहूँगी, गहलोत सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, उसने घर बैठना चाहिए, आराम करना चाहिए। बिल्कुल, हमारी देहात की जिला अध्यक्ष मुकेश कंवर जी, जब हमने कहा कि हम 5 महिलाएं अंदर जाएंगी, हम गेट के अंदर घुसने लगे और मैंने ये कहा, मैं प्रदेश महामंत्री हूँ महिला मोर्चा की, मैंने कहा कि मैं अंदर 5 महिलाओं को घुसा देती हूँ। उसके बाद जब मैंने जिला अध्यक्ष हमारी शहर की भारती जी को अंदर घुसाया, उसके बाद उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी, हमारी मुकेश कंवर जी को धक्का दिया गया और उसके बाद हम ये सारी महिलाएं अंदर आई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले बुलेटिन प्राइम टाइम में माधवी स्टीफन के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।